हे कृष्णा, जय माँ काली, जय काल भैरव। सो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने हैं 1 2 3 4 5, फिलहाल तो 5 ऑब्जेक्ट है, लगा तो हम एक और ऑब्जेक्ट ले लेंगे। सबसे पहले रीडिंग है सभी राशियों के लिए, एरीज टू पाइसेस, मेष से लेकर मीन तक। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी के लिए भी हम पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहे हैं। तो कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपके परिस्थिति के अनुसार आपके साथ मैच हो सकती है, ठीक है। जो बातें रेजोनेट नहीं करती उनको जाने दीजिए, ओके। टैरो एक टूल है, गाइडेंस के लिए ध्यान में रखिए। तो अब करते हैं सीधा रुख हमारे टैरो की तरफ। ये है भाई एवरीडे रिच टैरो, ठीक है, लेट्स कनेक्ट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। इसमें कुछ कार्ड स्ट्रेट हैं, कुछ कार्ड रिवर्स भी है। सो देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहला कार्ड जो मिला है वो है द चैरियट रिवर। पहला जो कार्ड है वो है द चैरियट रिवर्स में, ठीक है। दूसरा कार्ड देखते हैं हमें क्या मिलता है, ओके। ये है जस्टिस, यानी कि लीब्रा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं थर्ड कार्ड, तो ये है सेवन ऑफ वॉन्स, ठीक है, रिवर्स में, ओके। नेक्स्ट कार्ड जो आ गया है वो है पेज ऑफ वॉन्स, अगेन रिवर्स में मिला है हमें, ओके। फिर मिला है हमें टेम्परेंस रिवर्स्ड में, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कार्ड आ गया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। दो तीन कार्ड्स और निकाल लेते हैं, जो कि है द मून स्ट्रेट पाइसेस, ये है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। और एक फाइनल कार्ड चुनते हैं जो कि है किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। चलो, तो अगर हम बात करते हैं इस रीडिंग की, तो हमें कितने कार्ड्स दिखते हैं और उनका क्या मतलब है वो जानते हैं। देखो, पहला जो कार्ड मिला है वो है द चैरियट रिवर्स में, ठीक है। ये कार्ड हमें रिवर्स में मिला है। ये एक्चुअली है कैंसर, यानी कि कर्क राशि का द्योतक, ठीक है। चाहे आपकी राशि कोई भी हो, ये कार्ड की मीनिंग आपके ऊपर अप्लाई होगी, बिकॉज हम यहाँ पे राशि स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस कार्ड की, तो देखो यहाँ पे ये पर्सन ना, मतलब चैरियट जब आता है तो हमें मैनेज करना होता है बहुत सी चीज़ों को। जैसे अगर आप इस कार्ड में देख रहे हैं, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, साथ में को पैसेंजर बैठा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मे बी अगर हम इनको मन कहें, तो कौन से मन का सुने, ये भी तो हमें निर्भर उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि हम उस वक्त किस मन की बात सुनते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पर्सन जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन लेके आगे बढ़ रहा है, बिकॉज ये कार्ड रिवर्स भी आ गया है, ठीक है। यहाँ पे हमें इस व्यक्ति की चल बिचल अवस्था नहीं देखने जा रही है, बल्कि ये व्यक्ति जो है वो बहुत ही, हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसे पता है कि उसे क्या हासिल करना है, उसे कैसे आगे बढ़ना है। तो इसे फ़िलहाल कोई रोक नहीं सकता, इसे एग्जैक्टली पता है कि उसे क्या पाना है, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हो कि भाई आप अपना फोकस शिफ्ट करो, या फिर अगर आप रिश्ते की बात कर रहे हो तो कोई एक बात करो, या तो भाई कि इस रिश्ते में आपको कौन सी मुसीबतें का सामना करना पड़ रहा है, या फिर कि भाई आप कितना ईजी फील कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई तो एक बाजू पकड़ के पर्सन जो है वो आपके साथ अब बातें करने के लिए फ़िलहाल हमें रेडी दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं, तो ये है जस्टिस लीब्रा, और ये रिवर्स में नहीं बल्कि स्ट्रेट आ गया है। क्योंकि स्ट्रेट आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस पर्सन की जो सोच है वो ऐसी है कि मैं तो भाई हर समय जस्टिस करने की ही कोशिश करता हूँ, हाँ, लेकिन बातें जस्टिफाइड होती है या नहीं ये जानना काफ़ी अलग होता है। जैसे कि मान लो आपकी फैमिली जो है वो शायद कहती होगी भी आपका जो BF है, या फिर GF है, या फिर जो आपका ये पर्सन है, चाहे आप मैरिड हो या फिर इन रिलेशनशिप हो, कि मे बी वो आपके साथ जस्टिस कर रहा है, यानी कि न्याय कर रहा है, या फिर वो ये भी कह सकते कि नहीं, वो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं हमें नहीं लगता कि हम उसे कम्प्लीटली न्यायपूर्ण कह सकते हैं, ठीक है। वहीं पर आपकी जो सोच है, आपका जो ख्याल है, वो उनके विपरीत भी हो सकता है। तो जस्टिस का मतलब यहाँ पे हम इस तरह से देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो कोई कार्य करता है स्पेसिफिक तरीके से, और कहता है कि मैंने ये जो किया वो सही किया मेरे हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे इनका हिसाब दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी के हिसाब से इनका जो कार्य है वो स्तुत्य है या फिर एक्सेप्टेबल है,
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया है सेवन ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैज रिवर्स में। देखो यहाँ पे इस पर्सन के हिसाब से ना, जो भी मुसीबतें थी या तो इस पर्सन ने फिलहाल टाल ली है। तो अगर हम आज की बात करें सुबह की, तो इनके हिसाब से भाई जितने भी लोग थे जो इनको इश्यूज क्रिएट करते थे या फिर इनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, इश्यूज सबके सामने रखते थे, अब ये कह रहे कि भाई हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, तो फिलहाल कुछ दिनों के लिए सही इन व्यक्तियों से इनका पाला छूट गया है। ठीक है, तो ये पर्सन अभी फ्री है एंड अपनी मनमानी कर सकते हैं, या फिर आपको ले कह रहे कि भाई आप निश्चिंत हो जाइए, अब हमें कोई सवाल नहीं पूछेगा, मैंने सब बंदोबस्त कर लिया। इनके हिसाब से भाई जो भी मतलब क्रिटिक्स हैं उनके मुंह इन्होंने बंद कर दिया है। साथ में ही यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैज ये आ गया है रिवर्स में। तो क्योंकि इन्होंने इतनी सारी मेहनत की है, तो अब आपको ना ये पर्सन थोड़े से शांत दिखाई देंगे। ठीक है, पैशन का कार्ड है, ये तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अब कह रहे कि भाई क्योंकि मैंने बहुत सी एनर्जी लोगों के ऊपर खर्च की है, तो अब मैं रिश्ते में सहूलियत चाहता हूँ, अब मैं रिश्ते में शांतिपूर्ण चीज़ें चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये है टेम्परेंस रिवर्स में। अब ये कार्ड रिवर्स में क्यों आ गया है, ये तो है सेकेटेरियस का कार्ड धनुराशि। देखो यहाँ पे पर्सन का कहना है कि अगर आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हो कि हमारे बारे में बात करें कि कुछ इश्यूज अगर हमारे बारे में हैं, तो इसके ऊपर फिलहाल ये पर्सन फोकस नहीं कर रहा है। आप यूँ कह सकते कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे या फिर जो ऐसे लोग थे जो आपके लिए इश्यूज बन सकते थे, उनके खिलाफ ये लड़ रहे हैं या फिर उनकी आवाज़ इन्होंने बंद कर दी है। अब क्योंकि वो जगह सेटल हो चुकी है, तो अब ये कह रहे हैं कि भाई अब कुछ वक्त के लिए ना आप अपने इश्यूज इनके सामने मत रखो। तो इनका कहना है कि भाई मे बी आपके साथ जैसे भी है वैसे खुश हैं, तो अगर आप इनके साथ लेके कुछ प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए फ़िलहाल ये पर्सन रेडी नहीं है। शायद कुछ दिन या एक हफ्ता वो आपसे मांग सकते हैं कि भाई थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद हम वापस से प्लानिंग कर देंगे, बिकॉज फ़िलहाल के लिए पर्सन जो है वो अपनी बहुत सी एनर्जी खर्च कर चुका है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यह क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। तो बातों की अगर हम बात करें तो ये पर्सन एकदम से हमें प्रभावशाली दिखता है कि आपके सामने बहुत चीज़ें रखना, पॉइंट्स रखना और कहना कि भाई मेरे हिसाब से अगर हम ऐसा करते हैं या फिर अगर हम इस चीज़ को, इस रूटीन को फॉलो करें तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। मतलब इनके पास इनके खुद के जवाब है और ये चाहते हैं कि आप इनके ही जवाबों को फॉलो करें। ठीक है, मतलब ये आपको कोई दूसरा रास्ता अपनाने नहीं देंगे, इनके खुद के जवाब रेडी है, बस आपको वो सुनना है, सुनने का काम आपका है। द मून यानी कि भाई पाइसिस मीन राशि। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये पर्सन ना धीरे धीरे अपने मन को शांत करने पे तुला हुआ है। अब तक जो हमने कार्ड्स देखे कि भाई कुछ चीज़ें रिवर्स आ गई, लेकिन क्योंकि रिवर्स आ गई तो जो इश्यूज थे वो भी सॉल्व हो गए। तो यहाँ पे ये पर्सन कह रहे अब मुझे फोकस करना है सेल्फ हीलिंग के ऊपर। ठीक है, मे बी ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अगर है अपनी ज़िंदगी में कि भाई जॉब में टेंशन, घर में टेंशन है ना, ट्रैफिक अगर लगा तो वो टेंशन, तो कह रहे कि भाई मुझे शांत होने की ज़रूरत है। तो थोड़ा समय ये खुद के लिए, थोड़ा समय आप दोनों के लिए निकाल रहे हैं, जहाँ पे आप दोनों अपने रिश्ते के ऊपर इस तरह से फोकस कर सकते हो कि भाई अब सब कुछ जब सही सेटल होने आ गया है तो हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो मैनिफेस्टेशन उनके लिए एक्चुअली में वर्क कर चुका है या फिर कर रहा है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, ये कार्ड यहाँ पे आ गया। तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर आप इनके साथ मैनिफेस्टेशन करते हो इनको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर ये सेल्फ हीलिंग करना चाहते हैं और आप उस हीलिंग के लिए फ़िलहाल अगर रेडी नहीं हो या फिर आपके प्लान्स अलग है, तो कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए मैं अपना रास्ता खुद चुनता हूँ। ठीक है, तो स्पिरिचुअली आध्यात्मिक तौर पर पर्सन जो है वो खुद कुछ चीज़ें करना पसंद कर सकता है। वही अगर हम देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है, तो ये हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। हाँ, इनके इस बिहेवियर से आप परेशान हो सकते हो एंड मे बी आपको इनका बिहेवियर सही नहीं लग सकता अगर हम बात करते हैं आज से लेके कुछ दिनों तक या फिर स्पेसिफिकली आज की। लेकिन इस पर्सन का कहना है कि भाई देखो मैंने तो वो सब करना चाहा जो फिलहाल मेरे हिसाब से सही है, बिकॉज अब जो हालात है ना वो इनके काबू में है, इसलिए अब जो ये चाहते हैं वही वो करना चाहते हैं। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पे क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे द लाइफ नेविगेटर, यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है देखते हैं।
तो ये पहला कार्ड है जो कि है ओपन टू मिरेकल्स। ये पर्सन कह रहे हैं कि आप बिलीव करो कि मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं। सो हमारे ज़िंदगी में भी चमत्कारों का होना अब शुरू हो गया है। सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोज लाइक लाइफ इट्सेल्फ, नेचर हाइड्स सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोज इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। तो वही कह रहा है कि हमें ना मौका ढूंढने की ज़रूरत है, और मौका कब कहाँ कैसे मिलेगा किसी को नहीं पता। जैसे कि रेनबो आपको कब दिखेगा आपको नहीं पता, लेकिन वो जब दिख जाता है तो बहुत खुशी मिलती है। वैसे ही कह रहा है कि हमारे पास अब रेनबो को स्वीकारने का एक बहुत शानदार मौका है, उसे आप मत गवाइए। ठीक है, ये है यहाँ पे सेट योरसेल्फ फ्री, जो मैंने कहा कि अभी ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है आपके रिश्ते के लिए, खुद के लिए। अब वो चाहते हैं कि भाई खुद के लिए थोड़ा समय निकाले, थोड़ा मन को शांत करने के लिए, है ना, वरना वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, देखो जिंदगी में नेक्स्ट क्या होगा इनको नहीं पता, हालात अभी काबू में हैं, कल क्या होगा, हालात थोड़े से कॉन्ट्री भी हो सकते, लेकिन उसके लिए इनको प्रिपेयर्ड होने की ज़रूरत है। लेकिन साथ में वो कह रहे हैं कि भाई आप इस बात को भी समझ लो कि ज़िंदगी में कुछ जो भी होगा हम उसके लिए हमेशा रेडी नहीं हो सकते। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं, एक्चुअली अच्छी सोच है। विंड्स ऑफ चेंज वाले कह रहे हैं कि अभी बदलाव की श्रृंखला शुरू हो गई है। जैसे कि अभी अब तक इनके फैमिली या फिर कुछ इश्यूज आपको आ रहे थे फाइनेंशियल, और अगर इन्होंने सब कुछ सेटल कर दिया तो देखो बदलाव शुरू हो गए हैं, बस आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो रोमांस एंजल्स हैं वो हमें क्या बताते हैं, देखते हैं। देखो पहला जो कार्ड आ गया है वो है न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पे आ गया है। तो अगर हम न्यू पर्सन की बात करते हैं, न्यू लव की, तो मे बी अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो मूव ऑन होना चाहता है, या फिर आप ही वो नए पर्सन हो, या फिर क्या चल रहा है जिंदगी में, देखो या तो उनका ज़िंदगी की तरफ देखने का नज़रिया बदल गया है, या फिर एक्चुअल उनकी ज़िंदगी में कोई नया प्यार आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, वो है सोलमेट। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। देखो अगर आपको सोलमेट मानते हैं ना, तो आपको भी इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो जो कार्ड है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। ये वही कह रहा है कि जैसे कि ये आपको समय दे रहे हैं, आप भी इनको समय दीजिए। और अगर एक खुद के लिए कुछ समय निकाल रहे हैं, तो थोड़ा समय आप खुद के लिए भी निकाल लीजिए, मन में जो डाउट्स हैं, शंकाएं हैं, वो निकाल फेंके। ठीक है, रिलीज योर एक्स। तो क्योंकि हमें कार्ड मिला था न्यू लव, तो देखो अगर ये पर्सन अपने एक्स के बारे में सोच रहा था, फिर अभी भी अगर इनके जहन में कहीं ना कहीं एक्स की एनर्जी है, तो उसे रिलीज़ करने का बहुत ही सुनहरा और शानदार मौका इनके पास है, जो ये कंप्लीट करना चाहेंगे। और जो नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, देखो ये है अनरिक्वेटेड लव, मतलब देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री। ठीक है, तो अगर इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि फ़िलहाल आप जो है बहुत स्ट्रेस में हो, और ये स्ट्रेस से बाहर जा रहे हैं, तो थोड़ी समय के लिए आप अपनी अपनी स्पेस चुन सकते हैं, उसके बाद आप वापस से जुड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमें एंजल्स क्या साइन देते हैं, सो लेट्स लुक एट दैट कि एंजल्स और हमें यहाँ पे क्या साइंस मिले। देखो पहला जो कार्ड आ गया है वो है आयोलाइट। आर यू यर्निंग फॉर कंपेनियनशिप? Do you need to attract loyal and supportive friends and family? ठीक है, तो यहाँ पे जो loyal and supportive family है वो काफ़ी important है, और ये वही कह रहे हैं कि वो actually लोगों के दिल में झांक रहे हैं कि कौन उनके लिए सही है और कौन नहीं। विंडो कॉर्ड्स, डू यू फील योर कनेक्शन विद द स्काई अबो एंड द अर्थ बीनीथ योर फीट? आर यू अलाइंड विथ योर ट्रू स्पिरिचुअल नेचर? मतलब कि भाई आपको क्या लगता है कि सच में जो लोग आपके साथ है और जो एनर्जीज है, जैसे कि आपके जो एंसेस्टर्स या फिर भगवान को जो आप पूछते हो, क्या उनकी एनर्जी आपको मिल रही है? अगर नहीं तो आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ईगल, आई एम अवेकनिंग एवरी डे इन मेनी वेज, तो यहाँ पे आपको ही जागृत होने की आवश्यकता आन पड़ी है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यह है इन्फिनाइट। आर यू लिविंग लाइफ विद जॉय एंड एंथुजियाज्म? डू यू नो हाउ टू कल्टीवेट योर प्लान्स एंड इंटेंशन? तो फिलहाल जो इनका देखने का नज़रिया है वो है खुशी को बटोरना। ठीक है, आई कनेक्ट विद द राइट पीपल एट द राइट टाइम, सही लोगों के साथ सही समय पे जुड़ना, ये उनकी तैयारी फिलहाल हो रही है। और अगर हम देखते हैं फाइनली कि हमें यहाँ पे कौन सी कुकीज़ मिल गई हैं, ठीक है, दो कुकीज़ मिलते हैं, चुनते हैं। पहला देखो ये कार्ड है रिफ्लेक्शन, तो ये एक्चुअली रिफ्लेक्शन देख रहे हैं कि भाई आपके अंदर उन्हें क्या दिखता है।
और जब वो आपको देखते हैं तो कौन सा रिफ्लेक्शन दिखता है, पॉजिटिव, न्यूट्रल या फिर थोड़ा सा नकारात्मक। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है पर्सनल रिचेस, थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी के ऊपर और निजी ज़िंदगी में फोकस करने की उनकी ज़रूरत है और वही वो करने जा रहे हैं। तो ये था अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।